नमस्कार, मैं हूं भूपेश प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं Time 24 न्यूज। मानसून से पहले नाला सफाई को लेकर के सरकार के द्वारा लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। प्रशासनिक अधिकारी भी तमाम तरह के दावे करते हैं, लेकिन बुलंदशहर के सिकंदराबाद में ये दावे जरा सी बारिश में बह गए। गली से लेकर मोहल्ले तक, दुकान से लेकर मकान तक और बेडरूम तक भी बारिश का पानी नजर आया। देखिए ये रिपोर्ट। तेरे विकास के लिए सरकार और सरकार के नुमाइंदों की ओर से क्या क्या न किया जाता है, मगर तू है कि थोड़ी देर की बारिश तक सहन नहीं कर पाता है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के उस कस्बे की जो देश की राजधानी दिल्ली से महज 55 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। नाम है सिकंदराबाद। और इस शहर के लोग लगातार पड़ने वाली गर्मी से परेशान होकर पिछले दिनों से जैसे बारिश के लिए तपस्या कर रहे हों। अपने भक्तों को इंद्र भगवान से इस हाल में देखा ना गया और वो बरस पड़े। मगर ये क्या, शुक्रवार सुबह से ही इंद्र भगवान ऐसे बरसे कि सड़क, गली, मोहल्ले, घर, सरकारी गैर सरकारी दफ्तर, यहाँ तक के लोगों के बेडरूम तक में पानी घुस गया। पतियों ने कमरे और आंगनों से निकलकर छत तक ले जाने वाले जीने पर बैठना मुनासिब समझा और पत्नियों ने कमर पर दुपट्टा बांधकर झाड़ू ऐसे हाथ में उठा ली जैसे झांसी वाली रानी ने अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए तलवार उठा ली थी। परेशान महिलाओं के हाथ में झाड़ू देखकर लग रहा था जैसे आज पूरे शहर में सफाई का विशेष अभियान चलने वाला हो। अरे अरे, वो वाला नहीं जो नेताओं की ओर से चलाया जाता, बल्कि वो जो अंटियों की ओर से घरों से कॉकरोच निकालने के लिए चलाया जाता है। यहाँ विद्युत विभाग की गंभीरता तो देखिए। सड़क, गली, मोहल्लों से भरे पानी से हादसा न हो जाए, इसलिए विद्युत विभाग ने सुबह 4 बजे ही बत्ती गुल कर दी। हंसी मत, मामले की गंभीरता को समझिए। खैर, एसडीओ साहब की ओर से बताया गया कि तेज बारिश की वजह से नगर में एक पोल गिर गया था और विद्युत कर्मी बारिश में ठीक करने में लगे थे। मगर हम आपको क्या बताएं, एसडीओ साहब डिजिटल इंडिया के डिजिटल सिकंदराबाद में ऐसे बहुत से परिवार हैं जिनके पानी से लेकर खाने तक सब बिजली से जुड़े हैं और उनकी मासूम निगाहें सुबह से शाम तक छत में लगे पंखे और दीवार पर लगे बल्ब पर टिकी रहीं। अरे उसे छोड़िए और ये सुनिए, नगर में विकास की कैसी गंगा बह रही है और मानसून से पहले नगर में क्या शानदार नाला सफाई अभियान चलाया गया था। उसकी वानगी देखने के लिए नगरपालिका अधिकारियों को कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि पालिका के सामने स्थित फ्रेंड्स कॉलोनी में मानो बच्चों के लिए हर घर में गंदे पानी का स्विमिंग पूल बन गया हो। कॉलोनी के आंटी अंकल ने बताया कि ये कोई नई कहानी नहीं है, बल्कि यहाँ तो थोड़ी देर की बारिश में ही घर में इतना पानी जमा हो जाता है कि बच्चों को मनोरंजन करने के लिए किसी पार्क जाने की जरूरत नहीं। अभी रोज यहाँ तो पानी बारिश होती है, तुरंत बारिश से पानी भर जाता है घर में अंदर तक। क्या समस्याएं हैं पानी को लेकर, घर में कहाँ कहाँ पहुँच जाती है? घर में एक एक फुट पानी भर गया हमारे पूरे। शिकायत आपने पहले की है इसकी? कभी रोज रोज शिकायत कर रहे हैं, कुछ भी ना फर्क पड़ रहा है। किससे शिकायत? एडीएम साहब भी आ गए हमारे यहाँ, ईओ साहब भी आ गए, सब आ गए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा इस बात से। जब से हमने मकान बनाया तब से चली आ रही है। क्या इसकी शिकायत आपने कभी की किसी से? बहुत शिकायत कर ली, बहुत ज्यादा, कोई काम नहीं करता जी, कोई भी काम करने को तैयार। आए थे एसडीएम, बता भी रहे हैं कि एसडीएम यहाँ आए थे। क्या उसका निस्तारण निकला? कुछ नहीं हुआ जी, बस कहते चले जाते हैं किताबों पर, कॉपियों में लिखवा के चले जाए बस छुट्टी। जो आगे नाला बना हुआ है उसकी सफाई होती है ना, उसके टूटा हुआ पड़ा है, उसकी सफाई की शिकायत करी है कई बार, एकदम साहब भी देखते हैं लेकिन कोई समाधान नहीं होता है। डीएम साहब से आपने शिकायत की आप लोगों ने? डीएम साहब की तो वहाँ तक तो हमने शिकायत नहीं, हम एकदम साहब वगैरह ही नहीं तो देख रहे हैं। कब से ये समस्या चली आ रही है? बारिशों में पूरे दिन ये समस्या रह गई। घर में कहाँ कहाँ पानी पहुँचा?
काफी नुकसान भी हुआ होगा। क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं नगर पालिका की लापरवाही साफ नजर आ रही है। हाँ, इस बार इंद्र भगवान थोड़ी से ज्यादा मेहरबान हुए तो पानी बेडरूम तक भी पहुंच गया। डीएम साहब, देखिए, आप कोरोना काल में रातों को बैठक बुला रहे हैं, नगर दर नगर हालातों का जायजा ले रहे हैं, मानसून से लेकर विद्युत व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए लगातार निर्देश भी दे रहे हैं। मगर उसके बाद पालिका और विद्युत विभाग के अधिकारियों की लापरवाही ने नगर जनता त्रस्त नजर आ रही है। उम्मीद की एक आस अभी भी आपसे बंधी है, कुछ करिए ताकि यहाँ के लोग राहत की सांस ले सकें। इसी तरह की रोचक खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर हमारी खबरें देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें, साथ ही शेयर करना भी ना भूलें। नमस्कार। Time 24 News, जज्बा सच दिखाने का।